हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, ईएमआरएस की तरफ से रिजल्ट आउट कर दिया गया है। किस किस पोस्ट के लिए रिजल्ट आउट हुआ है, तो चलिए आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि किस किस पोस्ट के लिए रिजल्ट आउट हुआ है, कट ऑफ वगैरह क्या गई है और कितने कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया, पूरा कुछ हम चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं, स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ। और इसकी जो पीडीएफ्स वगैरह हैं सारी मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, तो जाइए वहाँ से चेकआउट कर लिए। चैनल का नाम है टेलीग्राम का द एग्जाम हेल्पर, सर्च मार के उस पर जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। तो आप देख सकते हैं मैं भी टेलीग्राम चैनल पर हूँ, यहाँ पर आपको जो है मेरा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेरा नहीं यार, ईएमआरएस का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ से पेन निकाल लेते हैं और आपको दिखा देता हूँ कि किस किस तरीके से आपका रिजल्ट बना हुआ। ठीक है, तो ये सबसे पहला है आपका ईएमआरएस अकाउंटेंट का रिजल्ट है, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। फिर आपका ये ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का रिजल्ट है, इसे भी हम चेक करेंगे। ठीक है, ये आपका रिजल्ट खुल चुका है, तो चलिए इसको देख लेते हैं हम यहाँ से। ये लीजिए, ये ओपन हो रहा है दोस्तों, अभी यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन हो गया है ना, और ये देखिए ये आपका जो रिजल्ट है दोस्तों, ये सरकारी रिजल्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड रिजल्ट। ठीक है, ये आपका ईएमआरएस का रिजल्ट है, आपको ऊपर मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है, ईएमआरएस टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पर आपको ये रिजल्ट पूरा देखने को मिल जाएगा। इस लिंक पर आप जो है क्लिक करेंगे डाउनलोड रिजल्ट पर, और ये यहाँ पर घूमना स्टार्ट हो जाता है। बट दोस्तों ये घूमते ही रहता है क्योंकि वेबसाइट अभी बहुत ज़्यादा लोड है। तो हमने यहाँ पर आपके लिए रिजल्ट डाउनलोड करके रखा है, तो ये अकाउंटेंट वाला रिजल्ट हमने डाउनलोड करके रखा है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ बोला गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, पेन ले लेते हैं अपन। देखिए, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट NESTS हैज सक्सेसफुली कंडक्ट द ईएमआरएस स्टाफ सेलेक्शन एग्जाम 2023 ऑन 16, 17, 23, 24 दिसंबर 2023 टू फिल अप द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंट पोजिशन इन ईएमआरएस अक्रॉस द स्टेट। तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है कि फ्रॉम अगेंस्ट द क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड मार्क्स स्कोर्ड इन रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्टेड अंडर EEE 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट द प्रोविजनल रिजल्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्टेड कैटेगरी वाइज आर एज अंडर। ठीक है, तो ये कितनी कैटेगरी में कितने विद्यार्थियों को सेलेक्ट किया है यहाँ पर लिखा हुआ। UR के 147 हैं, OBC के 97 हैं, EWS के 36, SC के 54, ST के 27, टोटल यहाँ पर 361 जो कैंडिडेट हैं इनको रिक्रूट यहाँ पर किया गया है। ठीक है, नीचे देख लेते हैं दोस्तों, नीचे क्या बोला गया है इन्होंने, नीचे देखिए क्या बोला है इन लोगों ने कि रोल नंबर ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर अटैच्ड विद द नोटिस। ठीक है, तो रोल नंबर इन्होंने आपके दे दिए, जो रोल नंबर आपके द्वारा यहाँ पर दिए गए थे आपको एडमिट जब एग्जाम हुआ था उसमें, तो यहाँ पर रोल नंबर वाइज इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया गया। एंड कैंडिडेट सेलेक्टेड इन दी लिस्ट विल नॉट हैव एनी राइट टू क्लेम अपॉइंटमेंट इफ फाउंड इन एलिजिबल इट एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो यानी कि जो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 361, अब इनका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अगर उसमें भी कोई एलिजिबल कैंडिडेट पाया जाता तो उसे बाहर भी निकाला जा सकता है। कैंडिडेचर ऑफ द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट गिवन इन द लिस्ट अटैच्ड शैल बी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड अदर कंडीशंस एंड मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ओके, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन क्लेम्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सारे जो है तैयार करके रख लेते। दे आर therefore advised to keep the said document ready with them। तो अब कभी भी आपका हो सकता है, क्योंकि इन्होंने रिजल्ट जो है बहुत ही जल्दी दोस्तों जारी कर दिया गया, मात्र एक महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है और इन लोगों ने यहाँ पर रिजल्ट आपका जारी कर दिया है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है ये आने वाले 15 से 20 दिनों में आपका डॉक्यूमेंट, या हो सकता है कि 10 दिन के अंदर अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। तो आप डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी नोटिफाइड शॉर्टली अबाउट द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको जल्दी पता चल जाएगा। ऑल द कैंडिडेट हु आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक देयर ईमेल आईडी वगैरह, आपको जो है यहाँ पर चेक करते रहनी है। ठीक है, नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ कि नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे आपकी क्या है दोस्तों, नीचे पूरी लिस्ट दी हुई देखिए इस तरीके से कि किस किस विद्यार्थी का यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये देखिए कि किस विद्यार्थी का यहाँ पर हुआ है, उसकी यहाँ पर लिस्ट इन्होंने दे रखी है, कितने कितने कैंडिडेट हुए, रोल नंबर आप चेक कर लीजिएगा अगर आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है तो। ठीक है, चलिए अब आपको बता देता हूँ कि अकाउंटेंट में कितनी वैकेंसी थी और कितनी वैकेंसी के लिए कितने कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। ओके, चलिए
ये आपके पास जो EMRS का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अकाउंटेंट की 361 वैकेंसी थी, और जो बच्चे आपके सेलेक्ट किए गए अकाउंटेंट के लिए वो कितने, वो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको दिख जाएंगे, ये अकाउंटेंट का भी रिजल्ट आया, और इसमें जो कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट किए गए वो कितने किए गए, 361 ही कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट किए, यानी कि जो अकाउंटेंट की पोस्ट है उस पर केवल 1:1 में कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए। इसका कट ऑफ अभी तक पता नहीं चला है, तो कट ऑफ पता करने के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिस भी भाई ने है ना अकाउंटेंट का एग्जाम दिया है और इसमें से किसी का भी जो रोल नंबर है, तो आप अपना रोल नंबर के सामने एक नंबर अपना रोल नंबर लिखिए, उसके सामने आपके मार्क्स लिखिए आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स बन रहे थे। तो ऐसे अगर 50 से 100 कैंडिडेट भी अगर मिल जाते हैं इस तरीके से डालते हुए, ये आपका हॉस्टल वार्डन का एग्जाम था और उसमें आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो रोल नंबर और उसके सामने अपने मार्क्स कितने थे वो एक बार डाल दीजिएगा, तो एक से एक आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ कितना क्या गया, मिनिमम कितना गया और हाइएस्ट कितना गया हुआ है, ठीक है। तो कट ऑफ तो ये शायद मुझे लग रहा है कि जब आपका DB हो जाएगा उसके बाद फाइनल ये कट ऑफ जारी करने वाले, ठीक है। तो ये हो गया आपका अकाउंटेंट का। दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ से, ये रहेगा आपका हॉस्टल वार्डन मेल का, है कौन सा हॉस्टल वार्डन मेल का चेक कर लेते हैं, इसमें कितनी पोस्ट थी और कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। चलिए लैब अटेंडेंट का भी डाउनलोड कर लेते हैं, और ये हॉस्टल वार्डन फीमेल का भी हम रिजल्ट यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं, और इसमें देख लेते हैं कि आपके कितने जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर कॉल किए गए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से ओपन कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, सबसे पहले मेल चेक कर लेते हैं हॉस्टल वार्डन का। तो देखिए इसमें कितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं दोस्तों, इसमें भी देखिए आपके ये रोल नंबर वाइज दिया गया है, और रोल नंबर वाइज अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं डाल के। इसमें देखिए कितने कैंडिडेट बुलाए गए, तो इसमें टोटल 335 जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर बुलाए गए हैं। चलिए अब हम जो EMRS का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें देख लेते हैं कि उसमें आपका TGT के लिए कितनी पोस्ट आई थी, सॉरी हॉस्टल वार्डन के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर जो है जारी की गई थी। तो चलिए मैं, तो देखिए दोस्तों ये आपके सामने, ये देखिए ये है आपका हॉस्टल वार्डन की पोस्ट का, तो कितनी पोस्ट है, 335 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने आपको रिजल्ट दिखाया हॉस्टल वार्डन मेल का, उसमें कितने कैंडिडेट बुलाए हैं, 335 ही कैंडिडेट बुलाए हैं। तो यहाँ पर भी आपका जो रिजल्ट है वो 1:1 के रिस्पेक्ट में बुलाया गया है, तो यहाँ पर भी कट ऑफ जो है वो हाई आपको देखने को मिली होगी। तो कमेंट में फिर से वही बोलूंगा कि आपका जिसका भी है उसको क्या करना है दोस्तों, उसको ये रोल नंबर अपना टाइप करके उसके सामने आपके मार्क्स कितने थे आंसर के अकॉर्डिंग एक बार ये बता देना है, ठीक है। चलिए फीमेल का हम देख लेते हैं, फीमेल में कितनी पोस्ट थी, कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया गया फीमेल्स के लिए, तो फीमेल का देख लेते हैं हम खोल के। तो ये ओपन हो रहा है, ये तो केंद्रीय विद्यालय हो गया भाई, ये क्या हो गया ओपन, एक सेकेंड रुकिए दोस्तों, ये वाला है हॉस्टल वार्डन फीमेल रिजल्ट, ठीक है। तो ये डाउनलोड कर लेते हैं, एक सेकेंड रुकिए, ये वाला, ये देखिए ये रहा आपका। तो इसमें कितने 334 कैंडिडेट्स को यहाँ पर पास किया गया। अगर हम वैकेंसीज देख लें कि कितनी वैकेंसी थी उस समय, यहाँ से हम देख लेते हैं, ठीक है ये रहा। तो देखिए 334 ही वैकेंसी थी जिसमें हॉस्टल वार्डन फीमेल का रिजल्ट जारी किया गया था, उतनी ही पोस्ट पे यहाँ पर सेलेक्ट किया गया। बात कर लेते लैब अटेंडेंट में कितना किया गया, तो लैब अटेंडेंट का ये रहा रिजल्ट। तो इसको रिजल्ट को हम ओपन करके देख लेते हैं कि लैब अटेंडेंट के लिए कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर पास किया गया। तो लैब अटेंडेंट के लिए 373 कैंडिडेट्स पास किए गए। इसकी बात कर रहे थे पोस्ट कितनी थी लेबर अटेंडेंट की, तो 373। यहाँ पर भी 1:1 में जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफाइड किया गया है, और उनके रिस्पेक्टिव रोल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट, ये सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट है, यहाँ पर एक रिजल्ट का लिंक दिया है, इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है। और मैं आपको देखिए यहाँ से जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो भी ओपन करके दिखाता हूँ, कोई भी ओपन नहीं हो रही है क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आपका जो रिजल्ट आया है ना दोस्तों वो केवल किस किस पोस्ट के लिए आया, यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है किस किस पोस्ट के लिए आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया गया। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ी चली थी तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ पर टीचिंग पोस्ट के लिए PGT में इतने सारे सब्जेक्ट, अगर किसी ने किसी के थे कोई सा भी सब्जेक्ट तो उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया, इसी तरीके से TGT का है ना। और इसी तरीके से नॉन टीचिंग में किस किस पोस्ट के आए हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि नॉन टीचिंग पोस्ट पर आप यहाँ से देख सकते हैं हॉस्टल वार्डन मेल का रिजल्ट जारी किया गया, हॉस्टल वार्डन फीमेल का रिजल्ट जारी किया गया, अकाउंटेंट का और लैब अटेंडेंट का रिजल्ट जो है यहाँ पर जारी किया गया। क्योंकि ये सारे जो रिजल्ट थे 1:1 में, क्योंकि इनमें कोई भी जो आपका सेकेंड स्टेज है वो नहीं होने वाला है, केवल फर्स्ट स्टेज के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई है। इसके बाद आपके कौन कौन से रिजल्ट बचते हैं तो मैं चलिए आपको एक बार दिखा देता हूँ, है ना। चलिए इसको कट करते हैं और हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वहाँ पर आपको लिए चलता हूँ। तो देखिए इसमें आपका है ना PGT का आ चुका है और TGT वगैरह मैंने बता दिया आपका, है ना। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल का तो आपका कोई लेना देना नहीं है, अकाउंटेंट का आ चुका है,
और आपका लैब अटेंडेंट का आ चुका, हॉस्टल वार्डन का आ चुका। अब जो एक मोस्ट अवेटेड रिजल्ट है वो है आपका 759 वैकेंसीज का, जो है आपका जेएससी का, ये आपको कब देखने को मिलेगा। क्योंकि तो दोस्तों इसमें आपका टाइपिंग होना बाकी है ना, और मैंने आपसे बोला था कि आप टाइपिंग अभी से शुरू कर दीजिए, मैंने जो कट ऑफ बताया उसके आसपास अगर नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल टाइपिंग स्टार्ट कर दिए। तो अगर जिसने नहीं किया वो अभी भी मौका दे रहे हैं ई एम आर एस वाले कि आप टाइपिंग स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। पता चले कल के दिन को रिजल्ट जारी कर दें और 10 दिन के अंदर आपकी टाइपिंग ले लें, पूरा रखा रखा है एग्जाम आपके हाथ से चला जाएगा, ठीक है। तो टाइपिंग हो सके 2 से 3 घंटे डेली आज से कर दीजिए स्टार्ट, कभी भी रिजल्ट आ सकता है, जिस तरीके से आपका बाकी पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिल गया है। हम एक बार और वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेते हैं कि कहीं वेबसाइट चालू तो नहीं हो गया। तो देखिए अभी भी ये घूमे जा रहा और रिलोड की स्थिति में आ जाता है, पर वेबसाइट हमारी ओपन नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें यहाँ पर हो रही है, तो देखते हैं अब। तो जैसे ही जेएसए का रिजल्ट आएगा मैं अपडेट दे दूंगा चैनल पर बने रहिए। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। हो सकता है जैसे में थोड़ा सा टाइम लग जाए रिजल्ट को आने में, 1 हफ्ता या 10 दिन भी या 20 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि इसमें सेकेंड स्टेज होना बाकी है और इनका केवल फर्स्ट स्टेज था जो भी जारी किया गया। हो सकता है इनका डीबी भी हो जाए, उसके बाद आपका जेएसए का रिजल्ट आपको देखने को मिले, ठीक है। और वही आप जितने भी रिजल्ट आए उसके सामने रोल नंबर और उसके सामने आपके मार्क्स कितने बने थे आंसर के अकॉर्डिंग एक बार टाइप जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें कट ऑफ का एक थोड़ा छोटा सा अंदाजा लग जाए, ठीक है। चलिए बाकी इतना ही रखते हैं, वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।